गुरुर् ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा विष्णु और गुरु ही भगवान शंकर है, गुरु ही साक्षात परब्रह्म है, ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। तो मित्रों, आज मैं आपके सामने वीडियो लेके आई हूँ गुरु पूर्णिमा से रिलेटेड। गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है, इसका हमारे हिंदू धर्म की संस्कृति में क्या महत्व है, ये सब जो है आज मैं आपको अपने इस वीडियो में बताऊंगी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गुरु पूर्णिमा को महाभारत के रचयिता श्री वेद व्यास जी का जन्मदिवस मनाया जाता है। उनके सम्मान में इस दिन को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। शास्त्रों में यह भी कहा जाता है कि गुरु पूर्णिमा के दिन महर्षि वेदव्यास ने चारों वेदों की रचना भी की थी, इसी कारण से उनका नाम वेदव्यास पड़ा था। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार इस दिन शिष्य अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और उनके ज्ञान और मार्गदर्शन के लिए उनका सम्मान करते हैं। गुरु पूर्णिमा भारत में अपने आध्यात्मिक गुरु के साथ साथ अकादमिक गुरुओं के सम्मान के प्रति भी सम्मान प्रकट करने के लिए मनाया जाने वाला पर्व है। आज के दिन आपको किसी भी गुरु से शिक्षा मिली है, उस सभी गुरुओं को हम प्रणाम कर सकते हैं। फिर चाहे आपके स्कूल के गुरु हो, फिर चाहे आपके कहीं कार्यालय पे या जहां आप व्यवसाय कर रहे हैं, यहां जहां पर आप नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वहां पे आपको जिसने जो जो सिखाया है वो सभी आपके गुरु की श्रेणी में आते हैं। तो हिंदू धर्म में जिस जिस चीज़ों से आपको जो जो सीखने को मिला है वो सभी आपके गुरु हैं और वो सम्मानजनक हैं। सबसे पहले गुरु तो हमारी माता ही होती है, जो हमें इन सब चीज़ों के बारे में, दुनिया की चीज़ों के बारे में सर्वप्रथम जो अवगत कराती है वो हमारी माता होती है। तो हमारी सर्वप्रथम जो गुरु होती है वो माता होती है। फिर हम जितना भी हमारी ज़िंदगी में, जीवन में जो जो सीखते हैं, हमारे अनेकों गुरु होते हैं। पर माना यह जाता है कि एक और हमें जो होता है गुरु बनाना चाहिए, जो हमें दीक्षा देते हैं, जो हमें मंत्र देते हैं वो। तो जिनके अगर गुरु हैं अच्छी बात है, पर जिनके नहीं हैं वो गुरु पूर्णिमा के दिन ही अपने गुरु जो हैं, जिनको वो बहुत ज़्यादा मानते हैं या जिनकी वो पूजा करते हैं, फिर चाहे मंदिर में या, तो उनको वो गुरु बनाते हैं और उनके द्वारा, गुरुओं के द्वारा जो आपको मंत्र दिया जाता है उनका उच्चारण करते हैं वो। तो इस तरीके से भी गुरु बनाते हैं। और अगर किन्हीं के गुरु नहीं हैं तो वो अपने इष्ट को भी गुरु मान सकते हैं। मैं अपना इष्ट जो है वो भगवान गणेश को मानती हूँ, तो मैं उन्हें ही गुरु के रूप में देखती हूँ। गुरु का महत्व हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हमारे जीवन में गुरु नहीं होगा तो हम कोई भी चीज़ जो है सीखने के योग्य नहीं है। तो हमारे सर पर सदैव गुरु का आशीर्वाद होना चाहिए। तो गुरु चाहे किस भी रूप में हो, किसे भी माने, बस आपका गुरु जो है आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते हैं। इसके अलावा गुरु पूर्णिमा को भगवान श्री कृष्ण ने अपने गुरु सांडिल्य को भी ज्ञान प्रदान करने के लिए चुना था। तो गुरु यानी भगवान ने भी अपने गुरु को चुना था, चाहे श्री राम जी हों, चाहे कृष्ण भगवान हों, सबके कोई ना कोई गुरु रहे हैं और गुरु से उन्होंने शिक्षा और दीक्षा प्राप्त की थी। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी कोई ना कोई ज़रूर हमारे गुरु होंगे, चाहे वो शैक्षणिक हो, चाहे वो काम से रिलेटेड आपके ऑफिस में हो, तो वो सभी नमनीय हैं, सबको प्रणाम है। तो गुरु पूर्णिमा के दिन आप अपने गुरुओं को ज़रूर, अगर आप उनके पास हैं तो उनके चरण स्पर्श करके उनके लिए कोई भेंट स्वरूप लेके जाएं, और अगर आप उनसे दूर हैं तो अपने गुरु को एक फ़ोन कॉल करके उन्हें ज़रूर प्रणाम करें, उनका हालचाल पूछें। मैं भी गुरु पूर्णिमा के दिन अपने जो गुरु हैं, शैक्षणिक गुरु जिन्होंने मुझे शिक्षा दिलवाई और मेरे को हर परीक्षा में मेरे को जो है उत्तीर्ण करने में मदद की, उनको मैं फ़ोन करती हूँ, क्योंकि वो मेरे से बहुत दूर रहते हैं। और YouTube की फैमिली से जोड़ने के लिए मेरी और एक गुरु है जिसने मुझे YouTube का चैनल बना के दिया। YouTube में किस तरीके से एडिटिंग करते हैं, किस तरीके से करना चाहिए YouTube में, किस तरीके से आपको वीडियोज़ अपलोड करने, वो सब सिखाया। तो मैं उस गुरु को भी प्रणाम करूँगी। वो मेरी गुरु है, जो वो मेरी दोस्ती है, तो उसको मैं ज़रूर फ़ोन कॉल करके उसको प्रणाम करूँगी। चाहे कैसा भी हो, गुरु गुरु होता है, तो मैं उसको ज़रूर प्रणाम करूँगी। उसने मुझे इतना सब कुछ सिखाया ताकि मैं
उसकी वजह से ही आप लोगों से जुड़ी रहती हूँ यूट्यूब के माध्यम से। अगर वो नहीं मेरे को सिखाती, वो मेरा चैनल नहीं बनाती, तो मैं शायद कभी भी यूट्यूब की तरफ नहीं होती, क्योंकि उसको उसने मेरे को बहुत प्रोत्साहित किया। तो उसका मैं यहाँ नाम जो है वो लेना चाहूँगी, वंदना नाम है उसका, और उसने मुझे यूट्यूब का जो है ज्ञान दिया, तो उसको भी मैं बहुत बहुत आज प्रणाम करती हूँ कि उसने मुझे आप लोगों से जोड़ने के लिए एक जो है बहुत ज़्यादा प्रेरणा दी। तो मैं अपने जो शब्दों को यहीं पे विराम देती हूँ। सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड।